स्वागत है आपका न्यूज रोल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। चमोली में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के सुमना क्षेत्र में आईटीबीपी की बटालियन की पोस्ट के पास ग्लेशियर टूट गया, जिसके बाद यहां फरतफरी मच गई। ग्लेशियर टूटने से यहां बड़ी संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं सीएम ने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही बर्फबारी चमोली जिले में आफत बनकर टूटी। यहां भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूट गया। शुक्रवार को सूचना मिलने के बाद रात से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। शुक्रवार को चमोली जनपद से लगे भारत चीन सीमा क्षेत्र सुमना में सीमा सड़क संगठन के कैंप के पास ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। वहीं ग्लेशियर टूटने की घटना का गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत संज्ञान लिया और मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सुबह आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री की सेना के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। कल रात जैसे हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की डीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फोन आया और तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा। और साथ में ही माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबीपी बीआरओ सभी आर्मी को पूरी तरह सचेत किए। तेजी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आपके पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोड़े ध्वस्त हैं, बीआरओ अभी काम पे लगी है। बता दें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जिला प्रशासन की टीम अभी तक राहत बचाव काम में जुटी हुई है। अब तक 391 लोगों को वहां से बचाया गया है, जबकि 6 शव बरामद कर लिए गए हैं और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल सुमना में बीआरओ के मजदूर सड़क निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। पिछले 3 दिनों से नीति घाटी में अत्यधिक बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा अभी। वहीं वाडी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साईं का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से उच्च हिमालय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बर्फ जमा हो गई है। स्नो एवलांच की पूरी संभावना है। एवलांच की सबसे ज्यादा संभावना उन पहाड़ियों पर ज्यादा होती है जिनका ढलान बहुत अधिक होता है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए शुभ गौर की रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य की गई है। ऐसे में पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर रुख करना फिलहाल के लिए कम कर दिया है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा चलने पर असमंजस की स्थिति बन गई है। मामले में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले बस संचालकों ने एक बैठक की, जिसमें सरकार से परेशानी को देखते हुए 2 साल का टैक्स माफ करने और चालकों परिचालकों हित मालिकों को राहत राशि देने की मांग की गई है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने प्रदेश सरकार से 4 धाम यात्रा में यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 100% क्षमता पर वाहनों के संचालन करने की मांग की है। 4 धाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड में महासंघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न परिवहन संस्थान के प्रतिनिधियों ने आगामी 4 धाम यात्रा और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। गत वर्ष की भांति जो कोरोना काल है वो इस वर्ष भी पूरे चरम पर है। पिछले साल तो यात्रा हमारी संचालित नहीं हो पाई, लेकिन किसी कारणवश मतलब हमारा जो परिवहन व्यवसाय है फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया। लोगों के पास जमा पूंजी थी उससे उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन इस वक्त वही यात्रा काल आ गया है कि जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली है वैसे ही कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तो उसको देखते हुए हमने जो है आज परिवहन महासंघ की बैठक एक आहूत की गई थी, जिसमें हमारे सुझाव मांगे गए थे समस्त परिवहन संस्थाओं से कि यात्रा काल में यात्रा किस तरह से सुचारू हो सकती है और क्या क्या हमारी मांगे हैं जो हम सरकार से करें कि यात्रा एक
मतलब संगठित तरीके से और सुचारू रूप से संचालित है, तो उसके लिए बैठक। देखिए, हमने तो अभी जो मुख्य रूप से हमारा सुझाव आया है कि एक तो हमारे जो बाहर से यात्री आते हैं उनको कोविड की जो रिपोर्ट है कम से कम 5 जो RT-PCR रिपोर्ट है वो 5 दिन पूर्व की माननी होनी चाहिए 3 दिन के बजाय। और यदि एक बस में वाहन में पूरा का पूरा ग्रुप कोविड नेगेटिव है, RT-PCR नेगेटिव है, तो उसको पूर्ण क्षमता से संचालित होना चाहिए। अगर हम वो 50% की कैपेसिटी अपनी रखते हैं तो निसंदेह यात्रा इस बार भी संचालित नहीं हो पाएगी। बता दें, बैठक में TGMOU के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी, खिलानंद बेलवाल, यातायात के उपाध्यक्ष नवीन रमूला, संचालक दाताराम रतूड़ी, गढ़वाल मंडल टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पाल रावत, टाटा सुमो एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी, यातायात के संचालक हरीश नौटियाल, देवभूमि ऋषिकेश ऑटो रिक्शा के अध्यक्ष राजेंद्र लांबा, इनोवा टैक्सी मैक्सी ऑनर्स के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं बैठक में बस संचालकों का साफ कहना है कि इस साल अगर यात्रा नहीं चलती है तो बस संचालक सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऋषिकेश से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण पर लापरवाही का आरोप लगाकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं कालाडूंगी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कोटा बाग में कोरोना विस्फोट हुआ है और 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। लगातार बिगड़ते हालात पर कांग्रेस नेता सुमित हृदेश का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है, लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और ना ही राज्य की बीजेपी सरकार ने। सुमित हृदेश ने केंद्र सरकार पर चुनावों में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया, साथ ही कोरोना में महाकुंभ में भी कोरोना गाइडलाइंस को सही से लागू नहीं कराने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। तो ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान मेरे ख्याल से विश्व में टॉप 5 ऑक्सीजन के निर्माताओं में से एक है। हमने आयात कर दिया ऑक्सीजन, हमने आयात कर दी दवाएं और हमारे देशवासी मर रहे हैं। गाइडलाइन जो दे रहे हैं लोग, ये लग तो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन लॉकडाउन लगाएंगे नहीं। हाँ, ताकि इन पे वो ना आए, बोझ ना आए कि आर्थिक वो फिर से बैंकों को बोले कि किश्तों में रियायत दे। कैसे लोग किश्त पे कैसे देंगे किश्त अपनी, लोग कैसे बंद धंधे चलेंगे बताएं। जहां प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत हो रही है, वहीं कालाडूंगी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटा बाग में कोरोना विस्फोट हुआ है और 13 छात्राओं समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। दरअसल 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के कोरोना सैंपल लिए गए थे। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही 4 शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं शिक्षिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटा बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के सैंपल लिए गए थे। वहीं कोटा बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने बताया कि सभी को होम आइसोलेट कर दिया है। यहाँ CSC कोटा बाग में डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी GGIC कोटा बाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, तो फिर हमने स्कूल में जाके सैम्पलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर स्टाफ सब मिला के। तो अब जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 3 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है, मेडिकल किट दे दी गई है, मेडिसिन किट दे दी गई है। प्रदेश में जहां अभी जनता के जनप्रतिनिधियों को लोगों की मदद करनी चाहिए, वहीं ऐसे में कोरोना को लेकर सियासत की जा रही है। ऐसे समय में किसी को भी जिम्मेदार ठहराने का समय नहीं है, बल्कि हमें अपनी सुविधाओं को सही करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही हो जाएं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील में कार्यरत 2 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद तहसील परिसर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि तहसील में 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर सतपुली में आइसोलेट कर दिया गया है, साथ ही तहसील को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि बाकी सभी कर्मचारियों की भी सैंपलिंग की जा रही है, तहसील परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। तहसील सतपुली में काम करने वाले 2 कार्मिक रजिस्ट्रार कानूनगो श्री सुरेंद्र सिंह जी तथा नायब नाजिर श्री राज कपूर गोसाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
उन दोनों को डीसीसी सतपुली में आइसोलेट किया गया है तथा हमने संपूर्ण तहसील कर्मचारियों की सैंपलिंग करा दी है तथा उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है। अगले 3 दिनों के लिए तहसील को बंद किया गया है तथा तहसील को सैनिटाइज किया गया है। मेरी जनता से यही अपील है कि वो कृपया मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। जनपद चमोली के सुमना में ग्लेशियर फटने के बाद हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में यहां के बैरागी कैंप और नीलधारा क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में बैरागी संतों और शंकराचार्य के पंडाल लगे हुए हैं। यही नहीं, कुंभ मेले का मीडिया सेंटर भी यहीं स्थापित है। ऐसे में इन क्षेत्रों में मेला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मेला प्रशासन के अनुसार अभी तक खतरे की कोई नहीं है, लेकिन अगर गंगा में जलस्तर बढ़ता है तो समय से इन क्षेत्रों को खाली कराया जा सकता है। इसके लिए मेला प्रशासन उत्तराखंड सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से भी संपर्क में है। आज कुंभ मेला प्रशासन के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने बैरागी कैंप और नीलधारा सेक्टर में गंगा किनारे बने कैंपों का निरीक्षण किया। पौड़ी के द्वारी खाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उनके ब्लॉक प्रमुख रहते हुए तीसरी बार भारत सरकार द्वारा उनके ब्लॉक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जिलाधिकारी पौड़ी कैंप कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ब्लॉक को ये पुरस्कार दिया। इससे पहले महेंद्र राणा को कलजी खाल ब्लॉक प्रमुख रहते हुए 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। देखिए साहब, ये पुरस्कार मेरे सभी ब्लॉक के अधिकारियों के लिए है। ये पुरस्कार मेरे ब्लॉक की समस्त उस जनता का है, उस माता बहन का है जिन्होंने प्यार दिया, उन जनप्रतिनिधियों का है जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया और मेरे कामों को आगे बढ़ाया, कंधे से कंधे मिलाकर सब लोगों ने काम किया और ये पुरस्कार उनके लिए है। देखिए, ये बड़े खुशी की बात है कि जो द्वारीखाल के प्रमुख हैं, आप मेरी विधानसभा के पूर्व जो एक ब्लॉक है कलजीखाल, उसके 2 बार पूर्व प्रमुख रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति को भारत सरकार से पंचायती राज विभाग से जो है कि ये 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। निश्चित तौर पर जब कोई पंचायत स्तर का प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम करता है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से पुरस्कार मिलता है तो वो पुरस्कार गौरवान्वित करता है। मैं महेंद्र सिंह राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको पूरे ज़िले में ये जो सम्मान है, ये आप ही का सम्मान नहीं है, पूरी जो सम्मान है पूरे पौड़ी जिले का है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें माननीय विधायक श्री मुकेश कोहली जी द्वारा प्रतिभाग किया गया और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे समस्त विकासखंडों में से विकासखंड द्वारीखाल के प्रमुख श्री राणा जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसको भी आज हमने जो है माननीय विधायक जी के कर कमलों से पुरस्कार का प्रदान किया। इसमें हम लोग ने आज स्वामित्व कार्ड योजना का भी वितरण किया है और उसके अंतर्गत हमारे जो 3041 ग्राम चिन्हित किए गए हैं उसमें से 56 ग्राम पंचायतों में हमने आज जो है कार्ड वितरित किया है। लगभग 2000 से अधिक लाभार्थियों ने आज तक अपना कार्ड को स्वामित्व कार्ड को प्राप्त किया है। एक सफलता हम लोग ने अभी तक अर्जित किया है और हमने आज माननीय विधायक जी के समक्ष जो है स्वामित्व योजना का समीक्षा भी किया और जो अवशेष ग्राम हमारे आज की समीक्षा में पाए गए हैं उनको भी हम लोग जो अगले 3 माह के अंदर योजना से लाभान्वित करेंगे ऐसा हमने एक निश्चय किया। उत्तराखंड में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहीं अपराधियों के हौसले भी लगातार बुलंद हैं और आपराधिक घटनाएं अपने चरम पर हैं। दरअसल रुड़की गंग नहर कोतवाली में 3 युवकों ने एक युवती का गला रेत दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में 3 युवकों ने एक युवती को गला रेत कर घायल कर दिया। परिजन युवती को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये अभी कुछ लगभग 12:30 बजे की बात है, 3 लड़के थे जो 2 पीछे खड़े थे और एक लड़का जो था लड़की को पिटाई करके अंदर ले जा रहा था मुंह बंद करके, तो मैंने देखा कि कोई अजनबी है। तो देखने के बाद मैंने जब गेट बजाया तो वो लड़की कोई बोला नहीं घर से, तो फिर मेरे अंकल जी यहाँ पे जो बैठे थे, 4 अंकल बैठे थे, उनको आवाज़ लगाई कि अंकल यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर अंदर जाके हमने देखा कि वो लड़का उस लड़की को कुछ मार रहा था गले पे।
और फिर हमने उसको बंद कर दिया। कितने लोग थे जब वो अकेला एक लड़का था रूम में, बाकी दो निकल गए थे मुझे देख के। चिल्लाए होंगे जब? नहीं, मैं चिल्लाया था, मैं अंदर उसे बंद करा और चिल्लाया भी था, क्योंकि मेरी वैसे तो मैं अंदर था इसलिए आवाज़ ज़्यादा नहीं गई, लेकिन जो अंकल बाहर थे उन्होंने फिर रुका धार के सभी लोगों को बुलाया। जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर गली नंबर 20 निवासी 19 वर्षीय युवती का तीन युवकों ने गला रेत दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एक युवक को मौके से ही पकड़ लिया। वहीं पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और शव को सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस लेकर गए। वहीं घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। संज्ञान में मामला आया था, इसमें तीन युवक कृष्णा नगर गली नंबर 20 में आए और एक लड़की जो सब घर में खाना बना रही थी उसको गला रेत के उसकी हत्या कर दी। अभी पुलिस मौके पर है, एक अभी तक उसका पकड़ा गया है, बाकी और दो अभी पूरी हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही उसको मुख्य अरेस्ट। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और वो चीख चीख कर आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए रुड़की से इंतजार रजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।